गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर की ऐतिहासिक भूमि पर हो रहा है, जो कि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है। यहां की मिट्टी में भी एक अलग लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, जहां जहां तप होता है और जहां यज्ञ होता है, उस जगह में जागृति आ जाती है। यह गुरु गोरखनाथ की धरती है, जिसको उन्होंने अपने तप व बल से जागृत किया है। उन्होंने कहा, मौसम थोड़ा ठंड भरा है, लेकिन जब आपके अंदर का संगीत झूमेगा तब वह ठंड गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बहुत तेजी से विकास हुआ है। कुछ वर्ष पहले मुंबई से गोरखपुर की उड़ान कल्पना थी, लेकिन अब स्वप्न साकार हो रहा है। उन्होंने कहा, जब से योगी सरकार बनी है तब से पूरा माहौल बदल गया है। अब प्रदेश की राजनीति में योगी व तपस्वियों को भेजा जा रहा है, जिनका लक्ष्य केवल प्रदेश का उद्धार करना है। केंद्र व प्रदेश दोनों में संतों का राज है और विदेशों से निवेश हो रहा है। यूपी की छवि बदली है और नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने का प्लान बन रहा है। जल्द ही यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली है, जिससे हजारों कलाकारों को रोजगार मिलेगा। वहां पर योगियों के लिए भी तपस्थली बनाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा, गोरखपुर महोत्सव में यहाँ पे आगे कैसा लगा और यहाँ पे क्या बदलाव दिखेंगे? जी, एक तो हम लोगों का आप सबको बारंबार प्रणाम है। गोरखपुर की धरती, गोरक्षनाथ की तपोस्थली, मेरे बाबा की एक ऐसी थली, मेरे परमात्मा की जैसे वरद, एक ऐसा खंड है जहाँ की मिट्टी में ही जैसे विभूति का प्रभाव है, एक कोई भभूति होती है परमात्मा की, वो है। क्यों? जहाँ जहाँ तप होता है, जहाँ जहाँ बहुत यज्ञ होता है, उस जगह में जागृति आ जाती है। ये वैसी धरती है, ये भोलों की धरती है, ये मेरे भोले की धरती है। मेरे भोलेनाथ ने इस धरती को ऐसा पांगा हुआ है, जैसे जलेबी को पांग दिया जाता है, उसके अंदर तक रस चला जाता है। ये तप से और अपने बल से आध्यात्मिक इस जगह को जागृत किया हुआ है। ऐसी धरती पर आज कैलाश खेर और कैलाशा आए हैं अपना संगीत मंचन देने। कैलाशा की लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाली है शाम को, और शिव की अलख जगेगी सारी रात। ये समझ लीजिए, बाहर से तो बाबा थोड़ा बादल वादल घुमा रहे हैं, ऐसे बच्चों को लग रहा है जैसे ठंड चल रही है, इसे ठंड कहते ही नहीं। जब आपके अंदर का संगीत झूमेगा तो ऐसा ठंड बाबा दूर भगाएंगे आप लोगों की, सबकी, हम लोगों की, कि आपको लगेगा कि अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। आप तो यहाँ गोरखपुर कई बार आ चुके हैं, प्रदेश में योगी सरकार बनने का कितना बदलाव देखने को मिला यहाँ? जी, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज ही हमने एक पोस्ट किया, बहुत ही प्यारा, उसमें ये लिखा हमने कि कुछ वर्ष पहले तक मुंबई से गोरखपुर की उड़ान कल्पना भर एक हुआ करती थी। एक ऐसा लगता था कि ये कल्पना है, ये स्वप्न है, लेकिन अब स्वप्न साकार हो रहे हैं, सब कुछ मूर्त हो रहा है। हम आए हैं मुंबई से 2 घंटे में, यहीं सीधा गोरखनाथ की तपोस्थली पर। मेरे बाबा ने अपनी हथेली कर दी कि बच्चे यहीं उतार ले अपना पुष्पक विमान, आ जा। ऐसे हमें रिसीव किया गया इस धरती पर। और खुशी की बात ये भी है कि जब से हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये देवलोक में जैसे चुनाव हुआ हो कि अब आप जाओ, अब संतों को भेजा जा रहा है, तपस्वियों को भेजा जा रहा है भूखंड पर भी, कि ये सत्ता भी अब तुम्हें संभालो। क्यों? क्योंकि दुनिया को, चराचर को देख लिया कैसे करना है, अब तपस्वियों को भेजना पड़ेगा। तो एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा योगी, एक ऐसा समझ लीजिए फक्कड़, जिसको सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का उद्धारा करना है, अब वो सौंपी गई है केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और न जाने कितनी और भी खंडों में, हमारे राज्यों में। और जब से हमारे महाराज जी आए हैं, अलग अलग सड़कें बन रही हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यूपी में, यूपी की छवि भी बहुत प्यारी हो रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में नए नए हवाई जहाज के पत्तन बन रहे हैं, यानी एयरपोर्ट बन रहे हैं।
तो उस उत्तर प्रदेश को जहाँ जहाँ फालतू बातों के लिए ज़्यादा चर्चित होते थे, अब वहाँ जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा प्रगति पथ पर अग्रगण्य है। इसके लिए हम गदगद हैं, हम उमंगित हैं, हम तरंगित हैं। बयान दिया था योगी जी भाई के लगे बाल कटवाने, क्या बयान था? हाँ, ऐसा हमारा एक एक्चुअली भाई है हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में, वो साहब के ऊपर ये बना रहे हैं वेब सीरीज, उनका मन है। अच्छा, महाराज जी को पता है ये बात, हम बता चुके हैं उनको, बहुत हंसे थे महाराज जी कि महाराज जी वो हमें आप वाला रोल देना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का रोल आप करिए, क्योंकि आपके बाल हम उड़ा देंगे, तो आप एकदम भाई लगते हैं उनके। तो साहब भी हंसे थे महाराज जी भी कि हाँ यार, ये तो बात सही पकड़ी किसी ने। अभी मुंबई महाराज जी गए थे, आपने भी मुलाकात की कई फिल्म के बड़े बड़े अभिनेताओं ने, क्या बात हुई और आगे यहाँ पे यूपी में फिल्म को लेकर क्या रणनीति? ऐसी एक जगह हमने प्रपोज की है महाराज जी को, बहुत पसंद आया ये आइडिया कि हाँ एक आध्यात्मिक केंद्र तो बनना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक केंद्रों की बड़ी आवश्यकता है। ले दे के दो चार हैं, अब जिंदल है, आनंदा है, वहाँ जाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसे लेके लोग, लेकिन जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और वो भी फिल्म सिटी के अंदर है बन जाए, तो हम लोगों ने वो उसका पूरा एक बना रखा है खाका। माता ने चाहा तो सरकार चाहेगी उत्तर प्रदेश की तो हम बनाएंगे, संतों का आवाजाही होगी, संतों का समागम हुआ करेगा और उनके बहुत प्यारे प्यारे प्रवचन हुआ करेंगे, लेकिन ज्ञान देव प्रवचन नहीं, उनके वैसे प्रवचन जो हम सबके अंदर ऊर्जा और चैतन्य को जगाएं, बस बोरिंग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ का तरीका जो है वो बोरिंग था, इसलिए यूथ जुड़ नहीं पाया। अब हमारे संगीत ने ये तय कर दिया कि यूथ जुड़ता है, यानी केले में दवाई यहाँ काम करती है,